बिरहा माई और बाबा गुड़सरनाथ के पावन धरती प्रतापगढ़ के हम प्रणाम करें आज यहां आए हुए। यहां एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ काशी, एक तरफ प्रयागराज है, यानी प्रतापगढ़ के आशीर्वाद में सब तीर्थों के आशीर्वाद शामिल हैं। ये वीरों और बलिदानियों की धरती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब हमारे भारत का प्रताप दुनिया देख रही है, आज जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, भारत G20 जैसे बड़े आयोजन चंद्रमा पर छोड़ता है, मैं आपसे पूछना है क्या, यानी सब बताएंगे तो पता चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है, आपको गर्व होता है क्या? 10 साल पहले आप ऐसी सफलता की कल्पना भी कर सकते थे क्या? ये बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ है। 10 साल पहले जो असंभव था वो आज संभव हुआ है। कैसे? ये सब बदलाव कैसे आया? डैडी धीरे बोलो। ये सफलता मोदी के कारण नहीं, ये आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट जड़ दिया गया है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है कि सरकार का तीसरा कार्यकाल होगा और दमदार। लेकिन साथियों, इंडी गठबंधन वाले देश से भाजपा एनडीए की स्थिर सरकार हटाना चाहते हैं और इनके पास सरकार चलाने का क्या फॉर्मूला है? इनका पूरा है 5 साल में 5 पार्टियों के 5 PM बनाएंगे, यानी हर साल एक नया PM। ये चाहते हैं कि भानुमति का कुनबा जोड़ने वालों को लूट का बराबर मौका मिले।
मैं जरा आपसे पूछ रहा हूं, 5 साल में 5 PM मंजूर है क्या? ये 5 देश को चला सकते हैं? बात करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी एक छोटे व्यापारी को अपने यहां काम करने के लिए एक सहायक की जरूरत थी, तो उसने अपने आस पास पड़ोस वालों को कहा कि भाई 22-25 साल का कोई नौजवान मुझे मिल जाए तो मेरे कारोबार में जरा मदद हो जाए और मैं उसको ठीक तनख्वाह भी दे दूंगा। तो किसी को पता चला, वो पहुंच गए कि हाँ 24 साल का क्या आपका जो क्राइटेरिया है वो मैं पूरा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके बेटे को लेके आइए। तो उसने क्या किया, 12-12 साल के 2 बच्चों को लेकर के आ गया। 12-12 वाले 2 हैं, 24 हो गए, रख लीजिए। कोई रखेगा क्या? कोई रखेगा क्या? ये कह रहे हैं 5 साल के लिए 5 PM रख लो। साथियों, इंडी गठबंधन में वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। इनके एजेंडा क्या है? ये कह रहे हैं कि कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लगा देंगे। ये CAA का जो कानून मोदी ने बनाया है उसको रद्द कर देंगे। ये फिर पाकिस्तान के पास गुलाब लेकर जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। और इसलिए आपको सपा से सावधान रहने की जरूरत है। इंडी गठबंधन के लोग देश को बदहाल बनाकर सत्ता से गए थे। 2014 से पहले देश को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था, हर क्षेत्र में लूट मची थी, देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया तो पहले तो हमारी पूरी ताकत इन बर्बादी से देश को बाहर निकालने में लगी गई। हमने, और ये कैसे लोग थे, देश जब आजाद हुआ था तब दुनिया में हम 6 नंबर की इकोनॉमी थे, 6 नंबर पे थे। इन लोगों ने देश को ऐसे चलाया कि हम 6 में से 11 पर पहुंच गए। ये बर्बादी की इन्होंने। फिर आपने मोदी को सेवा का मौका दिया, हमने मेहनत की, वो 11 पे ले गए थे, आज हम उसको देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में नंबर 5 पर ले आए हैं। दोस्तों, और मोदी इतने से खुश होने वाला इंसान नहीं, रुकने वाला है। मैंने तय किया है कि जब तीसरी बार सर दुनिया में 3rd नंबर की ताकत बना करके रहेंगे। और ये मोदी की गारंटी। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश के विकास का मजाक बनाती है। सपा और कांग्रेस कहती है
कि देश का विकास तो अपने आप हो जाएगा, मेहनत करने की क्या जरूरत है। ये सपा कांग्रेस की मानसिकता के दो ही किनारे हैं। एक ये कहते हैं अपने आप हो जाएगा और दूसरे ये कहते हैं इससे क्या होगा। हमने गरीब माताओं बहनों के लिए शौचालय बनवाए, सपा कांग्रेस कहती थी इसमें क्या होगा। हमने 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर दिए, सपा कांग्रेस कहती थी इससे क्या होगा। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, वर्षों तक समाजवादी पार्टी सरकार में रही और हालात ये थे कि मैं 85% 85% घरों में नल से जल नहीं आता था। हमने 14 करोड़ परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया और इस पर भी सपा कांग्रेस कहती है इससे क्या होगा। साथियों, हमारी करोड़ों बहनें लकड़ी के धुएं में खाना बनाने को मजबूर थी। हमने हर घर को धुएं से बचाने के लिए मुफ्त सिलेंडर दिया तो ये कहने लगे क्या होगा। देश में करोड़ों गरीबों को बैंक में नहीं घुसने के लिए दरवाजे तक नहीं घुसने दिया जाता। हमने 52 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाए तो ये कहते हैं इससे क्या होगा। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे को गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसे लगता है इनको। मंगलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा और कहते क्या है विकास कैसे होगा, बोले खटाखट खटाखट। भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, बोले खटाखट खटाखट। और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे तो बोले खटाखट खटाखट। जरा बता दो कब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमक लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं, 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताऊं क्या होगा, बताऊं। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। और सहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले सहजादे हो या दिल्ली वाले, ये सहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट।
किसी ने तो मुझे कहा कि डायर रोड टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे, देशवासी रह जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, मैं आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करके काम करूंगा। मेरा पल पल आपके नाम, मेरे शरीर का कण कण आपके नाम,